राजस्थान के जयपुर में पिंजरापोल गौशाला होलिका दहन में गाय के गोबर से बने लट्ठों का इस्तेमाल करती है। इससे लकड़ी की भी कम जरूरत पड़ती है और गाय के गोबर का भी सही इस्तेमाल हो जाता है। होलिका दहन में आमतौर पर लकड़ी, कंडों और दूसरी ज्वलनशील चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। श्री पिंजरापोल गौशाला पिछले 5-7 साल से गोकास्ट बना रही है और ये निरंतर गौ माता की सेवा में अग्रसर है। बिना आर्थिक लाभ के इसको उपलब्ध कराती है। होलिका दहन में एक पेड़ बचता है एक होली से कम ऐसे ही जयपुर शहर में कम से कम हजारों जगह होलिका दहन गोकास्ट से हो रहा है। इन गोबर के लट्ठों की मांग इतनी ज्यादा है कि गौशाला प्रशासन पूरी नहीं कर पा रहा है। राजस्थान के बाहर भी पिंजरापोल गौशाला से गोकास्ट निरंतर भेज रहे हैं। अभी वर्तमान में अहमदाबाद में 20 टन माल गया है, ऐसे सूरत में गया है और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में, बनारस में गया है और ये और भी कई जगह का ऑर्डर आ रहे हैं। अभी साउथ का भी ऑर्डर आ रहा है वहाँ भी ये, पर अब क्योंकि माल के शॉर्ट होने की वजह से हम ऑर्डर कन्फर्म नहीं कर पा रहे। होली का त्योहार भक्त प्रहलाद और होलिका की पारंपरिक कहानी की याद दिलाता है। राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद अपने पिता के आदेश को दरकिनार कर भगवान विष्णु की पूजा करते थे। राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने को कहा। होलिका को आग से नहीं जलने का वरदान मिला हुआ था। जब होलिका को जलाया गया तो नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका पूरी तरह से जल गई।